हेलो स्टूडेंट मैं पूनम शर्मा प्रेक्सिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती यह वीडियो क्लास फर्स्ट का है आज आप पढ़ेंगे बारह खड़ी ये बारह खड़ी में यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे स्वर की मात्राओं को कैसे लगाया जाता है यहाँ पे स्वर की सभी मात्राएं दी गई हैं स्वर की मात्राओं को जब व्यंजन पर लगाते हैं तो उसको कैसे पढ़ते हैं उसका शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे हम तो यहाँ पे वैसे तो स्वर ग्यारह होते हैं लेकिन टोटल सौर अंग और आह को मिला के तेरह होते हैं तो यहाँ पे आपको केवल बारह दिए जा रहे हैं री की मात्रा यहाँ पे नहीं दी गई है यहाँ पे री को नहीं जोड़ा गया है अंग आहा इसमें है तो ये आ से अंग आह तक पूरा बारह मात्रा है तो उन बारह मात्राओं को यहाँ पर व्यंजन में लगा के दिखाया गया है कि व्यंजन पे जब ये मात्रा लगती है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है ठीक तो चलिए हम इसका उच्चारण करना सीखते हैं अगर आप इसका उच्चारण सही सही उच्चारण करना सीख जाएंगे तो आप बड़े से बड़े शब्दों को भी आसानी से पढ़ सकते हैं तो ये आपको पढ़ना भी है और आपको इसको कॉपी पे लिखना भी है आप इसको पूरा कॉपी पे लिखेंगे देखिए पाठ आपका अट्ठारह है बारह खड़ी अब चलिए मेरे साथ आप भी इसका उच्चारण करेंगे आप इसको कैसे पढ़ते हैं सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे पूरे स्वर लिखे गए हैं री बीच में नहीं है री को छोड़ करके यहाँ पे पूरे स्वर लिखे गए हैं छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ओ, बड़ा ओ, ए ए ओ, ओ, अं, तो ये आपके स्वर दिए गए हैं पूरे अब इनको हम कैसे पढ़ते हैं जैसे आप पढ़ते हैं अ आ इ ए, ए, उ, ओ, ओ, ए, ए, ए ओ, ओ अं, हा इस तरह से आप पढ़ते हैं इसको ना तो इसी तरह से देखिए इसके नीचे पूरा व्यंजन लिखा गया है तो व्यंजन में जब ये मात्राएं लगेंगी तो व्यंजन को हम कैसे पढ़ेंगे अब देखिए यहाँ छोटा के नीचे का लिखा गया है तो छोटा की अलग से कोई मात्रा नहीं होती वो सभी व्यंजन में मिक्स होता है ये आपको पहले भी बताया जा चुका है क्लास में अब यहाँ देखिए आ है तो आ के नीचे का लिखा गया है तो का में आ की मात्रा लगी हुई है फिर छोटी ई है छोटी के नीचे ई के नीचे का लिखा हुआ है उस पर छोटी की मात्रा लगी हुई है बड़ी ई है बड़ी के नीचे का लिखा गया है तो इस पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है फिर छोटे ओ के नीचे कहा है तो यहाँ पर छोटे की मात्रा लगी है बड़े ऊ के नीचे कहा है तो वहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगी है ए के नीचे कहा है तो यहाँ पे ए की मात्रा ए के नीचे कहा है तो ए की मात्रा और ओ के नीचे कहा है तो ओ की मात्रा औ के नीचे का है तो औ की मात्रा और अं के नीचे का है तो अं की मात्रा और आह के नीचे का है तो अह की मात्रा भी साइड लगा हुआ है ठीक तो अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं चलिए देखिए क कि की ठीक इसी तरह से हम अगली लाइन पढ़ेंगे ख ख कुकु की है कुको कंख अगली लाइन है ग ग गुगु, गी गुगो, गु है आप लोग उंगली रख रख के बुक पे पढ़िएगा मेरे साथ चलिए घ घ गुगु, घी गु गु घी

जिजी जुजु जेजे जे जुझो झञ्ह टट्टा टिट्टी टुटू टीटे टूटो टंटह ठठ्ठा टिट्ठी टुठू टीठे ठुठो ठंठह डड्डा दिडी टुडू डे डे डोडो डंडह ढढा ढिढे ढुढू ढिढै ढूढो ढंडह अब यहाँ पे अड़ा है अड़ा आ ऋ रिडे रु रू ऋ तत्ता तिती तुतु तिते तुतो तंतह थट्ठा थिथी तुतु तिथे थुथो थंथ आगे है दद्दा दिदी दुदु दीदे दुदो दंद धद्धा दिधी दुधु दिधे दुधो धंध तो इस तरह से इसको पढ़ना है अब अगले पेज में आएंगे अगले पेज में भी इसी तरह से आपको ये पढ़ना है अगले पेज में देखिए न से शुरू होता है नन्ना निन्नी नु नु नी नो नो नन्ना पप्पा पिप्पी पुप्पू पी पै पो पौ पंप अब यहाँ पे फ है फप्फा फिफ्फी फुफ्फु फी फै फो फम्फ

या, या ए, 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 ए यू यो यी रु रु रिरे आप यहाँ पे देखेंगे जब आपको हम छोटे की मात्रा पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि छोटे और बड़े की मात्रा पे नीचे नहीं लगता है देखिए यहाँ पे दोनों में बीच में लगा हुआ है यहाँ देखिए यह रा ये है तो दोनों में ओ की मांत्रा हमेशा बीच में लगती है नीचे नहीं लगती है ठीक तो आप बीच में लगाएंगे नीचे नहीं लगाएंगे आगे देखिए ला का लल्लाय लू, लू, ले ले लू लो आता है वा 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 शा श श्या शिशि शुशु शिषै शुशो शंशह अब ये है षटकोण वाला श ससा शिशि सुशु ससै सुसौ संशह अब ये छोटा सा ससा शिशि सुशु सीसै सुसौ संशह हा हा हे हे हु हु हे हे हु हो हं ह ह छ छ शि शि चु छु छे छ चू छ औ छं छ अब यह ज्ञा है ग ज्ञ ग गि गि गु गु गे गे गो गं गह ये फिर है श्री श्री श्रु शु शे श्रो एक लाइन देखिए यहाँ पे बीच में छूट गई है त्र की त्रित्र ठीक तो इसको आपको कॉपी में करना है और इसको आपको पढ़ना सीखना है तो ये वीडियो आप बार बार देखिए और इसको आप अच्छे से पढ़ना सीखिए उच्चारण करना सीखिए और आपकी बुक में इसके बगल में एक पेज है वहाँ पे आपको अभ्यास के लिए दिया गया है तो उसको आप बुक में ही करेंगे कॉपी में नहीं करना है ये दो पेज आज जो आप पढ़े हैं इसको आपको कॉपी में करना है तो आज की वीडियो में इतना ही ओके थैंक यू